हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं आपके लिए कोई भी ब्लॉग लेकर नहीं आ रही हूँ, मतलब कि मैं आपके साथ है ना एक यूट्यूबर है इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने है ना एक सीरीज़ चालू की है जिसमें वो कोलैब करेगी, तो वो यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करने वाली है, पर वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनके साथ कोलैब करने वाली है, हमारे जैसे जो न्यू क्रिएटर है और जो न्यू यूट्यूबर है उनके साथ बिल्कुल भी कोलैब नहीं करने वाली है। क्योंकि वो जो बड़े यूट्यूबर है वो उनके फ्रेंड है, हम कौन है? हम तो कोई नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ कोई नहीं करेगा। तो उनका जब ये वीडियो देखा था ना, हमें ऐसे एक उम्मीद सी मतलब लगी थी उनसे कि यार कि कोई तो है हमारे जैसे जो न्यू क्रिएटर है उन करेंगे, पर आज उनका वीडियो देखा ना सच में कि ऐसा लगता है कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है ना, यहाँ पर हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, हमें यहाँ पर खुद से आगे बढ़ना है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। और उन्हें लास्ट में ये भी पूछा कि आप कमेंट्स करके बताइए आप किसके साथ चाहते हो कोलैब करना, मतलब आप यूट्यूबर का नाम बताइए। तो ये कौन सी बात होती है यार, आप बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब कर रहे हो जिनको मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, वो अगर आप हमारे जैसे जो न्यू क्रिएटर है उनके साथ कोलैब करोगे तो कितना अच्छा होगा ना। आपके कारण जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो न्यू क्रिएटर हैं, उन्हें आगे मतलब वो आगे बढ़ेंगे आपके कारण। आप ये सोचिए ना, आपको कितनी दिल से दुआ मिलेगी। पर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर आपने जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है ना, लखनवी गर्ल रुचि, वो ऑलरेडी दीदी फेमस है, उन्हें सब जानते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ चलो ठीक है, आपने किया, बहुत अच्छी बात है, पर चलिए ठीक है, आपका तो ये फर्स्ट वीडियो था आपने, पर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ आप है ना ऐसे छोटे क्रिएटर के साथ, जो न्यू क्रिएटर है उनके साथ कोलैबोरेशन कीजिए, तो हो सकता है आपके कारण वो यूट्यूब पर सक्सेस मिले उनको, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लखनवी गर्ल रुचि को कौन नहीं जानता है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हो क्योंकि फेमस है, बहुत जानते हैं उनको। तो आपने ऐसे इंसान के साथ किया तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी फ्रेंड है इसलिए आपने किया ना। आप ये थोड़ा तो सोचिए ना, आप न्यू क्रिएटर के साथ करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और देखिए, कोलैबोरेशन करने के लिए आपका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, इसमें पैसे लग रहे हैं ना, कुछ जा रहा है ना कुछ जा रहा, बस आपको एक नाम लेना है आपको। अगर आपकी वीडियो में आप उनका भी वीडियो शेयर करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बस नाम लेने में और एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना। आपको करना चाहिए, पर पता नहीं आप करोगे कि नहीं। पर और जब कल का आपका वीडियो देखा था ना, तो बहुत से लोगों को आपसे उम्मीद थी, पर आज का वीडियो देख कर ना जो बहुत से लोगों का आपकी आपसे उम्मीद थी ना, वो सब की उम्मीद जो है ना वो टूट चुकी है। तो मुझे भी आपको ना देखकर ऐसा लगता था कि आप जो न्यू यूट्यूबर है उनकी हेल्प करोगे, सच में बता रही दिल से, आपको देखकर लगता था, आपके जो स्माइल है, जो प्यारे सी देखकर लगता था कि आप हेल्प करोगे। मैंने आपको एक बार मतलब सॉरी, मैंने इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी को मैंने उनको मैसेज भी किया था एक बार, मैंने हाँ उनसे हेल्प मांगी थी, हेल्प मीन्स कि मैं देखना चाहती थी वो सच में मेरा जो मैसेज है उसे इग्नोर करेगी या लाइक करेगी या आंसर देगी क्या देगी। पर मैंने जब उन्हें मैसेज किया था, कमेंट्स किया था, उन्होंने वाले जो कमेंट्स को इग्नोर कर दिया था, लाइक भी नहीं किया था। और मैंने एक और कमेंट्स किया था, मैंने उनसे कहा था कि आपके जो ब्यूटी टिप्स हैं आप पहले शेयर करती थी वो मैं पहले देखती थी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है इसलिए आपके ब्लॉग वगैरह नहीं देखती हूँ, तो उन्होंने लाइक किया था। तो मुझे इस बात का पता चला यार कि हम किसी से हेल्प मांगेंगे ना तो वो हमें इग्नोर करेंगे, यूट्यूब पर जो बड़े यूट्यूबर हैं आप उनसे हेल्प मांगोगे ना तो वो इग्नोर करेंगे, इसलिए ना हमें किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहिए। तो आज मैंने मतलब कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी है कि कोई मुझे सपोर्ट करो कि कुछ करो ऐसा कुछ करो, नहीं किसी से नहीं, क्योंकि हम अगर ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का हमने चॉइस किया है तो खुद किस पर किया है, किसी से उम्मीद रखकर नहीं किया ना। पर एक एक थोड़ी उम्मीद होती है यार कि कोई हमारी हेल्प करे, पर ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर, कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाला है।
तो मैंने है ना प्रिया दीदी हैं, तो प्रिया दीदी को कौन नहीं जानता है। तो मतलब यही इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी का जो वीडियो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मैंने प्रिया दीदी को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो अभी तक तो उन्होंने रीड नहीं किया, और इससे पहले भी कभी मैंने उनको मैसेज नहीं किया। तो आज देखते हैं प्रिया दीदी रीड करती है कि नहीं करती। हाँ, अगर उनके पास टाइम होगा तो बिल्कुल रीड करेगी, मुझे पता है, जवाब भी देगी, क्योंकि वो दीदी है ना बहुत अच्छी है, प्रिया दीदी, उनका दिल बहुत साफ है। तो उनको है ना मैंने मैसेज किया है, तो उनको है ना मैंने कोलैब करने के लिए कहा है कि आप जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, न्यू क्रिएटर हैं, तो उनके साथ आप कोलैबोरेशन करो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अब देखते हैं अगर दीदी, प्रिया दीदी जो है मैसेज रीड करेगी तो हो सकता है कि कोलैबोरेशन करेगी, क्योंकि करना चाहिए यार, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई तो हमारे जैसे न्यू क्रिएटर की हेल्प करे, कोई तो करे, पर पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा। चलिए ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम उम्मीद रख सकते हैं। और मैं तो ये भी चाहती हूँ यार कि हम किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब हमारी उम्मीद टूट जाती है ना, हमें बहुत बुरा लगता है। और हम वो कौन होती हैं हम उनसे उम्मीद रखें, और हम उम्मीद रखने वाले भी उनके कौन होते, कोई नहीं होते हैं ना, ना वो हमको जानती हैं ना हम उनको जानते हैं, तो क्या मतलब। और फिर उम्मीद रखने के बाद वही मिलता है, निराशा मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए किसी से उम्मीद मत।